हेलो बच्चों, तो कैसे हो सभी। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे सीयूईटी के सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो आज एक बहुत इंफॉर्मेटिव छोटी वीडियो में लेके आया हूँ जो कि बच्चों के डाउट हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस डाउट को क्लियर कर दिया जाए। कई बच्चों के डाउट है सर, सीयूईटी का फॉर्म भरने के लिए सर एज लिमिट क्या है, सर इसका कोई एज लिमिट है क्या, मैं फॉर्म भर सकता हूँ या नहीं भर सकता हूँ। तो मैं आपको डाउट क्लियर कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो थंबनेल पे एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन क्या है। फॉर एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ, फॉर अपेयरिंग इन CUET PG 2023 देयर इज नो एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट्स। ध्यान रखना बच्चे, यहां पे आपकी कोई भी एज लिमिट नहीं है, एज का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। बट पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट, द कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड द बैचलर डिग्री या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन और अपीयरिंग इन 2023। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए या फिर आप 2023 में अपनी अपीयरिंग में हो तब भी चलेगा, एज से कोई मैटर नहीं करता। ऐसा नहीं होना चाहिए आपका एज तो है बट आप एज तो ठीक है कम है जितनी भी है बट आपका ग्रेजुएशन ही नहीं है तब आप नहीं कर सकते। ये ध्यान रखना, या तो पास हो या अपीयरिंग में हो, सेकंड ईयर वाले में नहीं। तो देयर इज नो एज लिमिट, द कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड द बैचलर डिग्री एग्जामिनेशन और अपीयरिंग इन 2023 रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज। देखो यहां पे साफ साफ मेंशन है, कैन अपीयर इन सीयूईटी पीजी 2023। हाउएवर The candidates will be required to fulfill the age criteria of the university in which they are desirous of taking admission. यहाँ पे उन्होंने ये भी mention किया है, form भरने के लिए, exam देने के लिए कोई age limit नहीं है, but जिस university में आप admission लेने जाओगे, वहाँ की क्या age limit है, वो उन्हें उससे मतलब नहीं है। उस particular university में क्या age limit है, वो आपको देखना पड़ेगा। वो आपकी उस criteria में आप बैठ रहे हो नहीं बैठ रहे हो, वो आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा। But एग्जाम देने के लिए आप एलिजिबल हो, आप आराम से दे सकते हो, बस आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर आप अपीयरिंग में होना चाहिए। फॉर एडमिशन यूनिवर्सिटी थ्रू सीयूईटी पीजी द एग्जिस्टिंग पॉलिसी रिगार्डिंग कोटा कैटेगरी इलेक्शन रिजर्वेशन क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन प्रेफरेंसेस ईटीसी ऑफ द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी शैल बी एप्लीकेबल एज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन मे बी यूनिक फॉर एवरी यूनिवर्सिटी। हर यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन बी डिफर, डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। इसीलिए आपको पहले उन्होंने बोला है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर विजिट जरूर करें और वहां पर जाकर अपनी एलिजिबिलिटी को जरूर चेक कर लें। फॉर अप्लाइंग फॉर द रिस्पेक्टिव प्रोग्राम्स कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सेटिस्फाई देमसेल्व्स बिफोर अप्लाइंग दैट दे पोजेस द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेड डाउन बाय द यूनिवर्सिटी दे आर अप्लाइंग टू। आपको पहले से सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो क्या आप वहां की एलिजिबिलिटी में बैठ रहे हो नहीं। बाद में आप किसी को दोषी नहीं करार दे सकते कि सर मेरा तो रैंक इतना अच्छा है, मेरा एडमिशन वहां पे वो यूनिवर्सिटी नहीं ले रही है। तो ये जरूर ध्यान रखना कि क्या आप उस चीज के लिए एलिजिबल हो। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हो सबकी वेबसाइट अवेलेबल है, सबकी वेबसाइट पर जाके चेक करो कि उनकी डिमांड क्या है, उनकी एलिजिबिलिटी का डिमांड क्या है। मेरे अपीयरेंस इन द एंट्रेंस टेस्ट और सिक्योरिंग पास मार्क्स एटलीस्ट एट द टेस्ट डज नॉट एंटाइटल टू कैंडिडेट टू बी द कंसीडर्ड फॉर एडमिशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीयूईटी के एग्जाम का क्वालिफाई होना, सीयूईटी के एग्जाम का क्वालिफाई होने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि आपका एडमिशन होगा। इट डिपेंड्स टू द प्रोग्राम अनलेस ही सी फुलफिल द प्रोग्राम वाइज एलिजिबिलिटी कंडीशंस ऑफ द यूनिवर्सिटी। मोटा मोटा कहा जाए तो यहाँ पे सीयूईटी का यूनिवर्सिटी से ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। मैक्सिमम चीजें आपकी डिपेंड करेंगी कि आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो वहां की कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ेगी और वो यूनिवर्सिटी बाय यूनिवर्सिटी डिफर करता है। इसलिए आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं सारी चीजें पहले से अपनी चेक करके रखें। ये वीडियो बनाना मेरा इसीलिए तात्पर्य रहता है ताकि बच्चों को चीजें समझ में आ पाए। कई बच्चों को ये बातें नहीं पता होंगी, अब वो वीडियो देख के चीजों को समझ पाएंगे और चीजों को खंगालना शुरू करेंगे, यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पर जाना शुरू करेंगे। किसी को बीएचयू में जाना है तो बीएचयू की वेबसाइट पर जाकर चेक करो क्या डिमांड है, क्या एलिजिबिलिटी है, पर्टिकुलर कोर्स के लिए क्या क्या बैकग्राउंड चाहिए। एमएससी फिजिक्स ऑनर्स करना है, एमएससी फिजिक्स करना है या फिर अप्लाइड फिजिक्स करना है या एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स करना है या कुछ और स्पेशलाइजेशन में करना है, तो बैकग्राउंड में क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वो सारी चीजें वहां पे मेंशन होंगी। आप जाके चेक करो ताकि आपको एक सेटिस्फेक्शन मिल सके। बाद में पता लगे आपने कुछ चेक नहीं किया और फिर आपके मार्क्स अच्छे हैं, आप क्वालिफाई हो चुके और फिर आपका फेवरेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो रहा, तो आप किसे दोषी दोगे, आप अपने आप को बोलोगे ना आपने चीजों को रिसर्च नहीं किया, क्योंकि उन्होंने तो साफ साफ मेंशन कर रखा है नोट्स में, उन्होंने साफ साफ अपने नोटिफिकेशन में मेंशन किया है, उनको आप कुछ भी नहीं कर सकते, राइट। सारी चीजें क्लियर है, उनका ए टू जेड क्लियरिटी है बनी हुई कि भैया हमारा काम है एग्जाम कराना, हमने आपको एग्जाम करा दिया, अब आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो वहां की यूनिवर्सिटी से निपटो। क्या बात क्लियर है? तो ये आई होप आपको डाउट क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पे नॉर्मली एज लिमिट नहीं है बट पर्टिकुलर टू यूनिवर्सिटी
ये बैरी कर सकता है, तो आप उसको जाके जरूर चेक करें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके डाउट क्लियर हुए होंगे, और जो भी दिमाग में डाउट रहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, और भी सारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर अच्छी है तो अपने दोस्तों के साथ, हर एक स्टूडेंट के साथ शेयर करें, ताकि वो बच्चा ब्लास्ट में आके उसको दिक्कत ना आए। राइट, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, शेयर और लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।